हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये टाटा की नेक्सॉन है, 2019 का मॉडल है, डीजल कार है। जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है अभी और मैं इसका एसी चालू रखा हूँ। यहाँ तो आपको शो नहीं करेगा लेकिन बट यहाँ डिस्प्ले में शो करेगा जैसा कि देख पा रहे हैं। एसी ऑफ, एसी ऑन और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए इसका कितना है, 6.5 पे आ चुका है कूलिंग, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। और इसका ये रही आउटसाइड एयर का, आउटसाइड एयर का कब यूज़ करने का रहता है ये आपको मालूम ही है। एसी जब चालू करते हैं तो इसको बंद ही रखने का, यानी चालू रखने का है, और जब एसी बंद करते हैं तो इसको चालू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी चालू करते हैं तो इसको भी चालू रखना ही पड़ेगा आपको। और ये रियर डिफोगर का है, प्रॉपर चल रहा है। ये फ्रंट डिफोगर का है, प्रॉपर चल रहा है। ये इकोन मोड है, इकोन मोड के बारे में आपको पता ही होगा। इकोन मोड क्या है कि इकोन मोड में आप चालू करेंगे ना तो कंप्रेसर फास्ट ट्रिप करेगा, कूलिंग कम होगी, कंप्रेसर ट्रिप ज़्यादा करेगा, बस यही है और दूसरा कुछ नहीं है। ये ऑफ है, ये ऑटो का बटन है, ये हीटर का है। और इसका सभी जो फीचर जो है ना डिस्प्ले में आपको दिया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल में जाएंगे आप तो यहाँ से हीटिंग टेम्परेचर कम ज़्यादा, लोड स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हीटिंग का है और ये रही लोड स्पीड, ये रही आउटसाइड एयर, यहाँ से भी कर सकते हैं या मैक्स कर सकते हैं। और यहाँ से भी इकोन मोड का दिया है, इसका सभी प्रॉपर चल रहा है। एसी ऑफ, एसी ऑन यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। और इसका हीटिंग हाई पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ से भी कर रहा हूँ, देखो यहाँ से कर रहा हूँ तो वहाँ भी हीटिंग हाई हो रहा है। तो मोड बटन में ज़रा हवा सामने ले लेता हूँ, सामने ले लिया हूँ। और हीटिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं बढ़ रहा है, थर्टी पे आ चुका। तो थोड़ी देर रुकता हूँ मैं और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं 51 तक पहुंच चुका है हीटिंग टेम्परेचर, यानी इसका जो सिस्टम है ना सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये गाड़ी का जो डैशबोर्ड में, ये गाड़ी का डैशबोर्ड कैसे खोलने का रहता है, क्या कैसे मतलब खोलते हैं ये गाड़ी का डैशबोर्ड, तो मैं इस ये गाड़ी के ऊपर डैशबोर्ड खोल के एक वीडियो बनाया हूँ। तो वो वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका गाड़ी काम कर रहा है या फिर कौन सा बटन या फिर एसी क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप इस वीडियो में, वो वीडियो का जिसमें डैशबोर्ड खोला हूँ, ये वीडियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का डैशबोर्ड कैसे खुलता है। तो आप अगर खुद चेक करना चाहते हैं तो थर्मामीटर लगा करके चेक कर सकते हैं कि आपका कूलिंग हो रहा है बराबर या नहीं हो रहा है, सर्विस की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। बाकी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है और सब सिस्टम यहाँ दिया है जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया सलाह यूज़ करके। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना तो मैं आगे और भी अच्छी तरीके से नया वीडियो बनाऊँगा खुशी खुशी से, तो उसमें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा चीज़ों को। तो ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ ना, सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए ताकि क्या हो रहा है, क्या कौन सा पार्ट गया हुआ रहता है, कौन सा डालना पड़ेगा, क्या चीज़ गया हुआ रहता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाए ना तो आपको कोई बेवकूफ़ गधा वगैरह नहीं बना सकता है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।